इसकी रिलीज पे उससे कुछ दिन पहले वो हम लोगों के बीच नहीं होंगे, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता। भोपाल प्रेयर फॉर रेन, एक ले लो आप, मैं मेरी पत्नी और वो, और एक ढोल ले लो आप, या चुप चुप के ले लो, कोई भी, या भक्त ले लो, जो मतलब अलग अलग, तो ये तीनों मानसिकता है अलग अलग। रजनीकांत सर के साथ जरूर एक अच्छी लंबी भूमिका करना चाहिए। हाय, दिस इज राजपाल यादव एंड यू आर वॉचिंग kuimi.com। कीप वॉचिंग। हाय गाइस, मैं हूँ ग्रिनल और आप सबके स्वागत है kuimi.com पे। आज मेरे साथ वो ब्यूटीफुल एंटरटेनर है, वो एंटरटेनर जो सिर्फ हमें मूवीज में ही नहीं, मीम्स के थ्रू भी एंटरटेन करता है और जो जेनरेशंस को जोड़ के रखा है थ्रू हिज कॉमेडी, राजपाल यादव जी। हाय राजपाल जी, वेलकम टू kuimi। थैंक यू। फर्स्टली थैंक यू, आपको देख के हम लोग बड़े हुए हैं। हमारे जो कजिन्स है, जो नीसेस नेवीज है, वो लोग भी आपके मीम्स देख रहे हैं और सबको आप इतने एंटरटेन करते हो, आप कैसे करते हो? एंटरटेनमेंट, मैं बचपन से ही एंटरटेनर रहा हूँ, पढ़ाई भी मैंने की तो एंटरटेनमेंट के लिए की। मैं हमेशा, क्योंकि दुनिया जो है वो जीवन की आपाधापी में, सबसे अगर कोई आपको चाहे जड़ी बूटी समझो, चाहे कोई भी चीज़ ऐसी समझो जो आपको औषधि के रूप में आपको स्वस्थ रखने का काम करता है, वो है एंटरटेनमेंट। चाहे सामने वाला कर रहा हो, चाहे आप कर रहे हो, तो एंटरटेनमेंट जो है वो जीवन जीने का एक बहुत ही पॉजिटिव तरीका है, इसलिए मैं एंटरटेनमेंट को मानता हूँ। तो आपकी ज़िंदगी में वो तीन चीज़ें कौन से हैं? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट की और कुछ है आपकी ज़िंदगी में? नहीं, आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार, वो भी तीनों शब्द ऐसे हैं कि जो एंटरटेनमेंट को और मजबूती प्रदान करते हैं। वो है, आप रिसेंटली पॉपकॉर्न में आए थे, आपका फर्स्ट वेब सीरीज है वो जी, आपने वो क्यों चूज किया, वो वेब सीरीज और वो भी डबल रोल में? मिस्टर फरहाद अपने आप में एक ऐसा नाम है जो एंटरटेनिंग फील्ड के लिए लिखाई के रूप में, पढ़ाई के रूप में, डायरेक्शन के रूप में खुद एक एस्टेब्लिश नेम है। इनके साथ में एक नहीं, जॉनी भाई से लेके और सौरभ शुक्ला जी से लेके और सतीश कौशिक जी से लेके और चंकी पांडे से लेके, जाकिर भाई से लेके, एक बंडल था पूरे एक ऐसे कलाकारों का जिनसे जो है गिव एंड टेक करने का मौका मिला। तो आई थिंक हमने लोगों ने बहुत इन्जॉय किया उस चीज़ को लेके, और इन्जॉयमेंट करते हुए पॉपकॉर्न, क्योंकि ऑफकोर्स जो अपना कुणाल है वो, उनके साथ में हमने ढोल ऑलरेडी की थी, बहुत एक फनी फिल्म थी, तो हमें ये इसलिए कॉम्बिनेशन सुन के और फरहाद का डायरेक्शन और डिज्नी प्लस हॉट स्टार का प्लेटफॉर्म, तो आई थिंक सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई एक्टर अगर ये कॉन्सेप्ट सुने और ना बोले। आप लोग इतने सारे कॉमेडियंस हैं, सिर्फ कॉमेडियंस नहीं, वैसे कॉमेडियंस हैं जो जेनरेशंस को मालूम है, हाँ। दादा हो, नाना हो, मॉम डैड हो, कोई भी हो, सबको ये सारे कॉमेडियंस के बारे में मालूम है, सब बहुत फेमस है। तो कुछ ऐसा हुआ सेट्स पे, कुछ कॉमेडी सीन या कुछ प्रैंक्स या कुछ वैसा? पूरी सीरीज ही प्रैंक है, जिसमें मतलब यारी ये कैसे आ गया, जिसमें लगातार कॉमेडी ऑफ एरर चल रहा हो, तो उसमें जो इम्प्रोवाइजेशन भी अगर आप देखो तो सब कॉमिक उसमें ही जाता है। नहीं, लेकिन आप लोग ने ऑफ कैमरा कुछ किया है वैसा? किसी जहाँ पे चंकी भाई हो, हम लोग जब बैठते थे तो कोई न कोई जोक जो है प्यारा सा, सतीश कौशिक जी की टाइमिंग इतनी कमाल रहती थी, तो वो कोई न कोई प्रैंक मारती देते, या मतलब एक हंसी का फव्वारा हर समय पूरी शूटिंग करते करते हमेशा सिचुएशनल आ ही जाता था। जब आपने अभी सतीश कौशिक जी के बारे में का नाम लिया, वो उस वक्त नहीं थे जब सीरीज रिलीज हुआ, तो आप लोग को कुछ ऐसा लगा कि काश होते कि वो उसका लास्ट परफॉर्मेंस ऐसा होता? नहीं, वो तो एक अनहोनी कह सकते हैं अपन, और सतीश भाई इसके प्रीमियर पे या इसकी रिलीज पे उससे कुछ दिन पहले वो हम लोगों के बीच नहीं होंगे, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता। क्योंकि मेरी बेटी और उनकी बेटी एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं जब ये हुआ उनके साथ तो चार दिन पहले ही उनसे स्कूल में भी मिला था, दोनों चीयर अप कर रहे थे अच्छे से। तो आई थिंक सतीश जी का जाना एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए, बॉलीवुड के लिए, हम सब के लिए कुठाराघात है। उनको अभी
अभी 10-20 साल उनके बारे में ये नहीं सोचा जा सकता था कि ये हम लोगों के बीच में नहीं होंगे। तो वो जहाँ भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपके अगर हम लोग नेक्स्ट जो आ रहे हैं उनके बारे में बात करें तो बहुत पूरा ऐसा है कि एक जैसा रोल नहीं है। आपके पास सन है, फिर कट्टल है, बहुत अलग अलग है, और ड्रीम गर्ल टू भी है, तो तीनों रोल्स अलग है, तीनों जॉनर्स अलग है, तो तीनों रोल्स के बारे में कुछ बताएं। अलग अलग फिल्में हैं, अलग अलग एंटरटेनमेंट है, अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, और लगभग लगभग हमारे पास में आई एम लकी कि लगभग दर एक 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 आपको देखने को मिलेगी प्राइमरी पाठशाला, एक वेब सीरीज और देखने को मिलेगी। तो लगभग जितनी वेब सीरीज हैं या जितनी वेब फिल्में हैं या सिनेमा फिल्में हैं वो सब अलग ही अलग हैं, और सबको अगले 2-3 साल में प्रॉपर सबको कंप्लीट करके मुझे लग रहा है कि सब अलग, शरीर तो आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन हर कैरेक्टर्स अलग अलग मानसिकता के आपको देखने के मिलेंगे, और कितने अच्छे होंगे कितने उसके पीछे तो पूरी हार्ड मेहनत करेंगे ईमानदारी से, बाकी जब जनता का आशीर्वाद मिलेगा तब पता लगेगा कब कौन सा कितना पानी में है। लेकिन ये एक चीज है कि अलग अलग मानसिकताओं के ही कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। अगर मूवीज पानी में होते भी है तो आपके कैरेक्टर्स पानी के ऊपर हमेशा रहते हैं, आपको इसके बारे में क्या कहना है? ये ऑडियंस का प्यार है और ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, माता पिता का और आप सबका, ये इसको शब्दों से बताया नहीं जा सकता, जो भी मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सन में आपका जो मूवी आ रहा है, आपका रोल उसके बाद उसमें क्या है एग्जैक्टली? बहुत ही अच्छा रोल करने का, एक अलग मेंटालिटी, एक अलग साइको कैरेक्टर करने का मौका मिला है, और एक फादर सन की रिलेशनशिप और एक लास्ट में एक ब्यूटीफुल मीनिंग देने का मौका मिला है, और बड़ा सामाजिक कैरेक्टर है लेकिन साइकिक कैरेक्टर है, और बहुत दिन बाद हमने साइकिक रोल किया, मुझे अच्छा लगा कि ये इसमें करते हुए, आई होप कि आप सबको भी बहुत मजा आएगा। हम लोग नॉर्मली आपको सिर्फ कॉमिक रोल्स में ही देखते हैं, तो अगर हम लोग आपको साइको रोल में देखेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगने वाला है, आप ये गारंटीड है। ग्रेनल हमारी, हम पहले दिन से बोल रहे थे कि मैं हमेशा 3-dimensional एंटरटेनमेंट में रहना चाहता हूँ। जंगल एक अलग तरीके की साइकी थी, मैं प्यार तूने क्या किया अलग, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ अलग। आप अगर ऐसी कोई जैसे चुप चुप के ढोल या माला माल बिकली या वक्त, कोई भी ऐसी फिल्म, मैं मेरी पत्नी और वो, तो कोई कैरेक्टर हमें करने का मौका मिला लेकिन मानसिकता हमेशा अलग अलग जीने का मौका मिला है, और कोशिश करेंगे कि जब तक शरीर में जान है और जो भी मानसिकताएं मिल रही हैं उनको अलग अलग ही जीने की कोशिश करूंगा। आपका आज तक का सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा था अपना? सारे ही अच्छे हैं। अगर आपको एक चूज करना है, अगर एक नहीं चूज कर सकते तो तीन चूज कर लो, कौन से होंगे वो अभी तक? हाँ अभी तक। अब मैं आपको अंदर ही बताऊं, ये कैरेक्टर हमें करने को मिले, लेकिन अगर बोले तो एक भोपाल प्रेयर फॉर रेन, एक ले लो आप मैं मेरी पत्नी और वो, और एक ढोल ले लो आप, या चुप चुप के ले लो, कोई भी वक्त ले लो, जो मतलब अलग अलग। तो ये तीनों मानसिकताएं अलग अलग हैं, इनके अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे ढोल जैसे रोल बहुत किए अलग अलग मानसिकता, लेकिन मैं मेरी पत्नी और वो जैसा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर वो वैसा दोबारा नहीं किया, या भोपाल प्रेयर फॉर रेन जैसा दोबारा नहीं किया। आप किसके साथ नेक्स्ट काम करना चाहोगे? राजपाल यादव के साथ। राजपाल यादव के अलावा? क्योंकि पूरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया। अगर आपको कोई नाम लेना पड़ेगा इन बॉलीवुड से या फिर साउथ इंडियन सिनेमा से, तो किसका नाम होगा? बहुत सारी एक्टर हैं, नए पुराने सबका स्वागत है, और कहीं कोई ऐसी डिमांड नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे फिल्म के हिसाब सिचुएशन के हिसाब से काम करने का मौका मिले, लेकिन एक रजनीकांत सर के साथ जरूर एक अच्छी लंबी भूमिका करना चाहता हूं। ठीक है, हम लोग वो मैनिफेस्ट करते हैं कि राजपाल यादव और रजनीकांत सर का एक मूवी आ जाए जहाँ पे दोनों पैरल लीड होंगे, और फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा वो मूवी। कोशिश करेंगे कि जनता जनार्दन का होगा ही होगा, गारंटी है। मैंने बोला 3-4 लोगों को, हमने कहा यार ये मैनिफेस्ट होगा।